सो ए व्हाट इज अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इंटेक्स की तरफ से आने वाले एक एलईडी स्मार्ट टीवी, ठीक है, जिसका है नाम नंबर जो भी मान लो SH3253, ठीक है। इस मॉडल के नाम से जो है हमारे ये इंटेक्स का एलईडी जाना जाता है, ठीक है। ये जो टीवी है यार, मेड इन इंडिया, इंडियाज नंबर वन एलईडी ब्रांड के नाम से बिकता है, ठीक है। क्योंकि मेड इन इंडिया के नाम पे तो अभी फिलहाल इंटेक्स, कार्बन जैसे, माइक्रोमैक्स जैसे ही ब्रांड है, जिसमें माइक्रोमैक्स यार अपने 50% से ज़्यादा जो प्रोडक्ट है वो इम्पोर्ट करवाता है, ठीक है। तो उस ब्रांड को साइड में रखते हुए अभी फिलहाल के लिए इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया जो मोदी जी का चल रहा है, उस हिसाब से अभी हमारे पास है इंटेक्स। सो गाइस, अगर आपका भी मूड बन रहा है कि 11,000 रुपये के अराउंड में, ठीक है, हमने जो है इसे परचेज करा है 11,500 में, 11,500 रुपये में, तो ये जो प्रोडक्ट है ये एक काफ़ी अच्छा 32 इंच में कम रेंज में आने वाला प्रोडक्ट है। बाय द वे, 13,000 में आपको वन प्लस का 32 इंच टीवी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे को रियलमी का 32 इंच टीवी मिलता है, फिर MI का भी 32 इंच टीवी आपको देखने को मिलता है, एंड्रॉयड वाले सारे के सारे 13,000 रुपये में। तो गाइज, ये जो प्रोडक्ट है ये 11,500 में हमने ऑफलाइन से परचेज करा है, लेकिन हम देखते हैं क्या ये बेहतर है या कंपीट कर पाता है जो बाकी 32 इंच के जो स्मार्ट टीवी आता है उनसे, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट करे यार इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग, तो लेट्स गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ फैला दो और जरूर से सब्सक्राइब कर देना अच्छी लगे तो। ये सब कुछ जो है आपको इस बॉक्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। सब में पहले यार हम इसके अंदर देख लेते हैं रिमोट कैसा देखने को मिलता है आपको बिल्ड क्वालिटी के मामले में, ठीक है। बैटरीज ऑलरेडी डाल रखी है हमने इसके अंदर, क्योंकि जब ऑफलाइन लिया था तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं हम कि प्रोडक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर वो खुद कहते हैं कि भैया यहाँ से खाली चेक कर लो, ठीक है, कोई बिल्ड फॉल्ट तो नहीं है, क्या कहीं से क्रैक या डैमेज तो नहीं है, ठीक है, तो वो होता है वहाँ पे चेक। तो बैटरीज हमने पहले से इसके अंदर डाल रखी है, आपको इन द बॉक्स बैटरीज जो है आपको देखने को मिलती है, बॉक्स के साथ में ही आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट या फिर इन द कॉस्ट जो आपने पे करी है, ठीक है। ये जो रिमोट है यार काफ़ी लाइट वेट है। आगे आपको देखने को मिलता है सिग्नल भेजने के लिए एक पार्ट, ठीक है, जो दे रखा है इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कीज मिलती हैं, ऊपर न्यूमेरिक मिलती है, फिर वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप एंड डाउन, फिर मेन्यू और फिर साउंड मोड, पिक्चर मोड, इनपुट एग्जिट और कुछ फंक्शंस कीज कलरफुल में और प्लेन पॉज। फिर उसके बाद एक यूजलेस यूज़र गाइड देखने को मिलती है, ठीक है। इनको रखते हैं हम जरा साइड में। एक वॉल माउंट मिलता है जिसको मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो वॉल माउंट है यार आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ये रहा ये रहा, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से जो है ये इसकी प्लेसमेंट होगी वॉल के ऊपर, ठीक है, कुछ इस तरह देख लो यार, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ प्लेसमेंट होगी और इसके कुछ स्क्रूज़ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिससे आप जो है इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दो स्टैंड देखने को मिलते हैं, फिलहाल मैं अभी नहीं लगाऊंगा स्टैंड क्योंकि मेरी मर्जी, ठीक है। तो अभी फिलहाल टीवी को हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं और बताता हूँ कुछ इसके फंक्शंस के बारे में, क्या कुछ अच्छा है क्या कुछ बेकार है। सेटअप करते हैं यार, अब कर लेते हैं यार इसका ज़रा सेटअप। तो सेटअप में यार सब में पहले बात कर लेते हैं इसके पीछे जो पोर्ट्स दे रखे हैं,
और क्या कैसा कुछ इसका बिल्ड है। तो गाइस इसके अंदर जो बिल्ड है पीछे ये जो फ्रेम देखने को मिलता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आपको मेटल देखने को मिलता है, मेटल वर्क है। और ये जो है आपको प्लास्टिक वर्क देखने को मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको माउंट करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे EMI नंबर वगैरह जो है आपको देखने को मिलता है, वैसे ही कोई नंबर, सीरियल नंबर वगैरह, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं यार पावर कोड्स पे। तो इसका जो पावर कोड है आपको प्री अटैच्ड देखने को मिलता है, ठीक है। आपको कोई भी अलग से पावर कोड नहीं देखने को मिलता है, जिसे आप बाद में अटैच करें और उसे यूज़ करें, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो पोर्ट्स में आपको 2 USB के पोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक SD कार्ड का मिलता है एक पोर्ट, जो यूनिक है थोड़ा सा, मतलब SD कार्ड का पोर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक आपको लाइन आउट का 3.5 mm का जैक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर AV in 2 देखने को मिलता है। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक RF केबल के लिए, जो पहले चलती थी वो कहीं कहीं चलती है अभी फिलहाल, तो उसके लिए आपको देखने को मिलता है। और 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलते हैं, एक 3.5 mm का PC ऑडियो के लिए देखने को मिलता है, एक VGA पोर्ट देखने को मिलता है, और एक AV in जो आपका पहला है। और उसके बाद RJ45 का पोर्ट देखने को मिलता है ईथरनेट वगैरह यूज़ करने के लिए। तो गाइस चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। नीचे आपको जो है 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, 10 10 वॉट के, टोटल मिला के 20 वॉट्स। तो इसका ऑडियो भी चेक करते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी चेक करते हैं, ठीक है। तो इसे ज़रा खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं यार इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेड लाइट ब्लिंक ब्लिंक हो रही थी। अगर मैं पावर बटन रेड वाला दबाता हूँ तो ब्लू लाइट ब्लिंक होने लगती है, यानी कि स्टार्ट हो गया। इसका बूट टाइम देख लीजिए कितना है, लगभग आपका हो गया ये 10 सेकेंड के अराउंड, ठीक है। ये जो है स्टार्ट हो चुका है, इसका एनिमेशन कुछ इस तरह होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 स्टार रेटिंग देखने को मिलती है, ठीक है, 68 समथिंग। तो इसमें देख लेते हैं यार, हम सेट करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी वगैरह, आपको वीडियो लगाते हैं। तो देख लेते हैं यार इसकी ज़रा वीडियो क्वालिटी। तो वीडियो क्वालिटी के लिए यार अभी हम ओपन करते हैं यूट्यूब। तो यार यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है, ये कोई ब्लूटूथ रिमोट नहीं है। आपको आगे जो देखने को मिलता है, ये रिमोट के ऊपर छोटा सा पार्ट, इसके थ्रू जो है सिग्नल जाता है टीवी में। अगर मैं यहाँ से कोई भी आउटपुट या इनपुट देता हूँ इसको, तो कोई भी आउटपुट आपको आगे नहीं देखने को मिलता। अगर मैं इस जो लाइट ब्लिंक हो रही है इसके थ्रू देता हूँ, तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलता है जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यार इसका वीडियो क्वालिटी, ठीक है। तो वीडियो क्वालिटी के लिए यार सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी के लिए हम एक 4K वीडियो को चला लेते हैं जो सोनी वगैरह की तरफ से आती है। तो एक 4K क्लिप, जो भी एनिमल वगैरह से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, तो जो कुछ ऐसी है, एड आ रहा है, एड सुनना है, देखना है, नहीं, ओके बॉस। तो ये जो है इसकी आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। मैं इसकी वॉल्यूम थोड़ी अप कर देता हूँ, ग्रीन कलर, ग्रीन थी और बाकी वगैरह। इसके अंदर जो है आपको पिक्चर मोड में कुछ मोड देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड मोड, फिर उसके बाद जो है आपको डायनेमिक मोड, फिर उसके बाद विविड मोड और यूज़र मोड और एक आई सेफ, ठीक है, ब्लू लाइट फिल्टर वगैरह में। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी यार काफ़ी अच्छी है, लेकिन कंपेयर करें अगर हम दूसरे ब्रांड से, तो यार आप इससे में अगर मेरे से रेटिंग मांगो तो मैं 8 out of 10 देंगे इसके बजट के अराउंड में, 11,000 12,000 के अराउंड में, ठीक है। इसके हिसाब से यार काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है, आई सेव का फंक्शन देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से कहूँगा यार काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। वीडियो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। 8 रेटिंग मिल रही है इसके बजट के हिसाब से, तो आप इसे ले सकते हैं, मैं आपको इजीली सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी ज़रा यार हम देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी के बाद ज़रा ऑडियो, कैसी ऑडियो देखने को मिलती है, ठीक है। मैक्स वॉल्यूम पे 10 20 वॉट के जो है आपको 10 10 के 2 स्पीकर्स दे रखे हैं, देखते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है। तो एक NCS की कार्टून वाली वीडियो चला लेते हैं, कार्टून वर्ल्ड फेमस, 370 मिलियन व्यूज के साथ, 5 साल पुरानी वीडियो। तो इसको प्ले करते हैं, तो स्टार्टिंग से दिखाता हूँ मैं आपको कैसे इसकी आवाज़ बढ़ती है। 0 पे आपको सुनने को ऐसा मिल रहा है, फिर
फिर ये 10 पे जो है आपकी वॉल्यूम देख सकते हैं इसकी कितनी है। फिर अब बढ़ते हैं 20 के ऊपर। अब जरा यार NCS की म्यूजिक के साथ जरा इसके सिनेमैटिक्स का आप थोड़ा इंजॉय कीजिए। अब जरा इसके सिनेमैटिक्स के साथ यार आप थोड़ा इंजॉय कीजिए, ठीक है? वो ही रहे। नो डाउट यार इसकी जो साउंड क्वालिटी है ठीक ठाक है, ठीक है? जिसमें बेस आपको थोड़ा सा 10 में से 7 देखने को मिलता है, वहीं ट्रेबल जो है यार थोड़ा सा यार दोनों को बैलेंस रखना चाहिए, बेस को और ट्रेबल को। तो ट्रेबल आपको यार 9 देखने को मिलता है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा यार हल्का सा माइनस जो है इसके अंदर ट्रेबल स्पीकर्स में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है? साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी का जो है कुछ ऐसा इसका परफॉर्मेंस या फिर एक्सपीरियंस रहा है हमारा, ठीक है? इसके बाद यार अगर बात करें हम इसके अंदर जो है क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, तो जिस स्पेसिफिकेशन पे ये आ रहा है 11,000 के अराउंड में, ठीक है? मैं बार 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 आपसे कह रहा हूँ कि यार 11,000 12,000 के अराउंड में, तो उसी हिसाब से जो है आपको इसको व्यू में लेना है या फिर इसको देखना है, ठीक है? इसके अंदर जो है आपको 1 GB की रैम, 8 GB की जो है स्टोरेज देखने को मिलती है और एंड्रॉयड सिस्टम देखने को मिलता है 8.0 के साथ में, ठीक है? यार इसके अंदर जो है आपको क्रोम कास्ट देखने को मिलता है, जो जिसका इन्होंने नाम दे रखा है मीरा कास्ट, क्रोम कास्ट ही है वो, जिससे आप इसे कास्ट कर सकते हैं। ई शेयर फाइल वगैरह जो है आपको शेयर करनी है वो कर सकते हैं। यूट्यूब और बाकी जो है आपको इसके अंदर जो है प्ले स्टोर भी, ऐप स्टोर देखने को मिलता है। फ़ोन में प्ले स्टोर कहते हैं, इसमें ऐप स्टोर, ठीक है? तो हम अलाउ कर देते हैं ऐप स्टोर के अंदर, तो आपके इसके अंदर काफ़ी सारी जो भी आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे सोनी लिव देखने को मिलता है, जो भी मेजर मेजर एप्लीकेशन है जो भी एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है TVs में, वो आपको यहाँ पे सारी देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी सिंपल जो है आपको इसके अंदर जो है UI देखने को मिलता है, ठीक है? तो यार अगर आप मेरे से पूछो कि मैं इसे सजेस्ट करूँगा फुल एंड फाइनल, बार बार मैं कह रहा हूँ इसकी ऑडियो ऐसी है, इसकी वीडियो ऐसी है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि यार अगर आपका बजट 13 से अबव जा सकता है, 12 से अबव जा सकता है, 13 के अराउंड, तो आप नो डाउट वन प्लस का ले सकते हैं, कोई भी 32 इंच का TV, ठीक है? या फिर ले सकते हैं रियलमी, या फिर आप MI का भी ले सकते हैं, ठीक है? ये जो है आपको 13,000 में ही देखने को मिलते हैं। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता कि 12,000 से ऊपर जाएं, तो इंटेक्स मेड इन इंडिया, ठीक है, इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए आप ये TV ज़रूर से परचेस कर सकते हैं, ठीक है? मेड इन इंडिया TV है, मेड फॉर इंडिया TV है, मेड फॉर एवरीवन TV है, ठीक है? तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर से अगर पसंद आई है इंटेक्स TV की अनबॉक्सिंग, मेड इन इंडिया वाले TV की अनबॉक्सिंग, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिसको भी आपको ये सजेस्ट करना है ये TV, स्मार्ट TV। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा यार, लाइक करना जरूर, लाइक करना जरूर, लाइट भी कह रही है लाइक करो, लाइट भी कह रही है लाइक करो। बाय बाय, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।